Now, again, next program, what is the output of given programs? Again, we are creating or constructing a stack diagram regarding memory addresses. Pointers ke examples without stack directly aap solve kar sakte, means individually different different place create karegi, lekin aap stack ke through jaoge then aapke liye most of programs ke output expect karna possible hai. Isliye best practice kya rahega, go through stacks 100 98 96 94 and so on. Like that, already discuss कर चुका हूँ. अगर किसी location का address है ना, then another name क्या होगा, star n. For example, 94. इसका एक और name क्या, star 94. इसे आपको write करने जरूरी नहीं, आपके लिए well understood है. According to previous solutions, first one. जैसे इस केस में first statement execute होगा, perform क्या हो रहा, memory declaration for x and y. Declaration of x, declaration of y. Next one. सेम है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, सारे के सारे वेरिएबल एक साथ क्रिएट होंगे ना कि वन बाय वन. देन इमीडिएटली एलोकेशन किसके लिए हुआ, अनदर वेरिएबल पी एंड क्यू, नॉट अ स्टार पी नॉट अ स्टार क्यू, ओनली सिंपली पी एंड क्यू. नेक्स्ट टू वेरिएबल्स आर क्रिएटेड पी एंड क्यू. इसे सारे केस में ऑलरेडी बिगिनिंग सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, मीन्स प्रीवियस सेशन ऑफ पॉइंटर्स. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, इमीडिएटली एक्स में साइन होगा वैल्यू एज 10, y value is 20, then x. इस pointer declaration फिर single line में भी write करना possible और two separate lines में भी write down करना possible था. First one, जैसे p जिस टाइप से x को declaration time पर initialize करना possible, similarly p को भी declaration time पर initialize करना possible है. जिस टाइप से y को declaration time पर initialize किया, similar way में q को भी initialize करना possible. इसके लिए मैंने total two pointers create किए, two primitive variables. इन प्रिमिटिव वेरिएबल को एक्सेस करेंगे यूजिंग पॉइंटर. मीन्स पॉइंटर को क्रिएट करने का एग्जैक्टली पर्पज क्या है, मीन्स किसी वेरिएबल्स को एड्रेस के थ्रू अगर एक्सेस करना है देन यूज क्या करो, पॉइंटर और नेम के थ्रू एक्सेस करना देन यूज करेंगे वेरिएबल नेम्स. इन दैट केस जब पी में असाइनमेंट होगा तो इस केस में रिजोल्व क्या करेंगे, असाइनमेंट और एम परसेंट में हाइएस्ट प्रायोरिटी क्या है, एम परसेंट. इस केस में जब स्टार अप्लाई किया, स्टार डिक्लेरेशन सिंटेक्स का पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेटर, इट इज अ सिंपली डेटा टाइप. ये सेपरेट करो, ओनली p इक्वल्स टू m परसेंट x, x का एड्रेस फाउंड हो रहा है 100, इसलिए m परसेंट x के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे 100. 100 आसानी किसमें होगा, ओनली p नॉट अ स्टार p. स्पेशली याद रखना, अगर आप डिक्लेरेशन टाइम पर राइट कर रहे देन इस केस में स्टार डिक्लेरेशन सिंटेक्स का पार्ट है ना कि डी रेफरेंस ऑपरेटर. p इक्वल्स टू 100, तो p में क्या आसान हो जाएगा, 100. p उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 100 है, मीन्स दैट प्लेस. 100 लोकेशन का एक और अल्टरनेटिव नेम क्या हो जाएगा, स्टार भी. स्पेशली याद रखना, सिंपल थिंग है, पॉइंटर्स के केस में ऑलवेज टू लोकेशंस कंसीडर करोगे लॉजिकली, पॉइंटर नेम इटसेल्फ और स्टार पॉइंटर नेम. स्टार पॉइंटर नेम किस लोकेशन का नेम होगा, जिस लोकेशन का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर है. इस केस में पी और क्यू दोनों ही पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, पी में क्या आसान हुआ है 100, इसलिए लोकेशन 100 का एक और अल्टरनेटिव नेम क्या आपके पास, स्टार भी. सिमिलरली क्यू इक्वल्स टू एम परसेंट वाई, वाई का एड्रेस क्या फाउंड हो रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, 98. That's why we are replacing in that place 98. 98 आसानी के समझ जाएगा लोकेशन Q में. अ वैल्यू ऑफ Q इज 98 और एड्रेस ऑफ Q इज 94. वैल्यू ऑफ P इज 100, एड्रेस ऑफ P इज 96. जिस टाइप से P में 100 स्टोर है इसलिए स्टार P किसका नाम है, लोकेशन 100 का. सिमिलरली Q में क्या स्टोर है, 98, इसलिए स्टार Q किस लोकेशन का नाम होगा, लोकेशन 98. जिस लोकेशन का एड्रेस क्यू में स्टोर है उस लोकेशन का एक और नेम क्या होगा, स्टार क्यू. स्टार क्यू किसका अल्टरनेटिव है, वाई का, और स्टार पी किसका अल्टरनेटिव है, एक्स का. तो आप एक्स में कोई भी चेंजेस करोगे इंडायरेक्टली चेंजेस किस में होंगे, स्टार पी में. सिमिलरली अगर स्टार पी में कोई भी चेंजेस करोगे तो इंडायरेक्टली चेंजेस किस में होंगे, एक्स में, क्योंकि एक ही लोकेशन के टू नेम्स हैं. मीन्स सपोज दैट सम पर्सन, एक ही पर्सन के टू डिफरेंट डिफरेंट नेम्स पॉसिबल है, समथिंग पेट नेम और स्कूल नेम, लाइक दैट. मीन्स टू डिफरेंट डिफरेंट नेम है लेकिन दोनों ही केस में पर्सन कितने, ओनली वन. सिमिलरली इन दैट केस लॉजिकली लोकेशन कितने, वन, लेकिन एक ही लोकेशन को एक्सेस करने के अप्रोच कितने, टू, एक्स एंड स्टार पी. नेक्स्ट वन, प्रिंट एफ. प्रिंट एफ में क्या पास किया, सिंपली एक्स वाई, x और y के रिस्पेक्ट में आते हैं तो x y का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है डायग्राम में, वैल्यू ऑफ x इज 10, दैट्स वाई इन दैट प्लेस 10. y के प्लेस पर क्या है, y का वैल्यू 20, मीन्स 20.
आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है, सिंपली 10 20। नेक्स्ट वन स्टार पी स्टार क्यू, कुछ भी नहीं करना इसके, इसमें पी के प्लेस पर पी का वैल्यू रिप्लेस कराओ। पी का वैल्यू क्या है, स्टार के प्लेस पर स्टार ही रहेगा लेकिन पी के प्लेस पर क्या है, पी का वैल्यू विच इज 100, दैट्स वाई स्टार 100। जब स्टार 100 के लिए अप्लाई हो तो स्टार क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू ऑफ लोकेशन 100, 100 लोकेशन में वैल्यू क्या स्टोर है 10, क्या आएगा फाइनली 10। सेम है स्टार क्यू, स्टार क्यू के केस में क्यू के प्लेस पर क्या आएगा, क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू क्या है 98। स्टार क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू ऑफ लोकेशन 98, लोकेशन 98 में वैल्यू क्या अवेलेबल है 20, इसलिए इस केस में क्या आएगा 20। मीन्स इन दैट केस एक्स इज सिमिलर टू स्टार पी एंड वाई सिमिलर टू स्टार क्यू और स्टार 100 और स्टार 98 लाइक दैट। फाइनली अगेन क्या प्रिंट हुआ, सेकंड प्रिंट एफ से 10 20। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेटमेंट फाउंड हो रहा है स्टार पी इक्वल्स टू 1, पी के प्लेस पर क्या आएगा पी का वैल्यू क्या है अगेन 100, मीन्स इट इज इक्वलेंट टू स्टार 100 इक्वल्स टू 1। जिस लोकेशन का नेम स्टार 100 है उसी लोकेशन में क्या आसान हो जाएगा 1, स्टार 100 उस लोकेशन का नेम होगा जिसका एड्रेस 100 है, मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस पर क्या आसान हो जाएगा 1। और असाइनमेंट किस में कराया था मैंने, स्टार पी, मीन्स डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल, आपके लिए बार बार रिजॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा एवरी टाइम आप इसको इवेल्युएट करोगे देन असाइनमेंट्स, स्टार पी इक्वल्स टू 1, मीन्स इनडायरेक्टली एक्स का वैल्यू क्या फंड हो रहा है 1। नेक्स्ट वन वाई इक्वल्स टू 2, जब स्टार पी में असाइनमेंट किया तो इनडायरेक्टली चेंजेस किस में हुए एक्स में, सिमिलरली इसके सेकंड केस में वाई में असाइनमेंट हो रहा है 2, वाई में असाइनमेंट 2 करोगे तो देन इनडायरेक्टली स्टार क्यू का भी वैल्यू क्या फंड हो रहा है ऑल्सो 2, दिस द थिंग्स। नेक्स्ट वन प्रिंट एफ एक्स वाई, एक्स का वैल्यू फंड हो रहा है 1, वाई का वैल्यू 2। थर्ड केस प्रिंट एफ स्टार पी, स्टार पी में क्या है 1, सेकेंड केस में क्या है स्टार क्यू, स्टार क्यू का वैल्यू क्या है 2, डिस्प्ले क्या हुआ अगेन 2, द आउट ऑफ दिस केस।